नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को बहराइच समाजवादी पार्टी की नौजवानों ने आलू प्याज सहित बड़ी हुई महंगाई के विरुद्ध में नवर्तमान छात्रा सभा जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव के नेतृत्व में रोडवेज बस स्थित कैंप कार्यालय में जुलूस निकाल कर आलू प्याज माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। तिकोनी बाग चौराहे पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर वर्तमान छात्रा सभा जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, कमर तोड़ महंगाई से किसान, नौजवान व आम जनमानस परेशान है। किसानों की आलू प्याज का दाम बढ़ गया, जबकि धान से फसल तैयार है उसका दाम कम हो जाता है। इसी तरह किसानों के सबसे ज्यादा शोषण भाजपा सरकार में हो रहा है। वरिष्ठ सपा नेता सज्जन खान ने कहा कि भाजपा सरकार में केवल झूठ का पुलिंदा उस आम जनमानस की समस्या से है, कोई लेना देना नहीं है। वरिष्ठ सपा नेता हर्ष त्रिपाठी ने कहा कि आम आदमी महंगाई खस्ता हाल है और भाजपा सरकार मौन है, ऐसे आदमी जनमानस की समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। सपा नेता संजीव कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, प्याज सेब सब के दाम एक ही है और महंगाई चरम सीमा पर है। इस अवसर पर मुबीन खान चौधरी, वरिंद्र वाल्मीकि नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद सैफ, धनीराम यादव, तस्लीम खान, रिजवान अंसारी, महेश यादव, आमिर खान, अनु गुप्ता, अवेश खान, शहबाज अलवी, मनीष प्रताप यादव, रविल मुस्तफा, अकील खान, बालवीर वर्मा, प्रशांत गुप्ता सहित भारी संख्या में नौजवान उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं नंदेश्वर नंद यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा जनपद बहराइच। आज हम नौजवानों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है, और इसलिए क्योंकि जब आज किसान आज जब आलू जब बोने का समय है किसानों का, तब उनके आलू के बीज का दाम बढ़ जाता है, और एक तरफ जहां धान उनको बेचने का समय है तो धान का दाम कम हो जाता है। इस तरह से किसानों को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलू और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आज किसानों को आलू बुवाई का काम करना है तो इस समय उसका बीज महंगा है, लेकिन जब यही आलू जब तैयार होगा और जब किसान जब मंडियों में जब बेचने जब जाएगा तो पता चलेगा कि उसके दाम गिर जाते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल पूरी तरह से प्याज तो गरीबों की थाली से गायब हो चुका है। इस तरह से लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, आम जनमानस में बहुत ही ज़्यादा इस महंगाई को लेकर के रोष भी जागता है, लेकिन ये योगी और मोदी की सरकार को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। पुतला किसका फूंका है आपने? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक करके सदर क्षेत्र अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक ने आगामी त्योहारों को देखते हुए किया शांति बैठक, साथ ही जुलूस न निकालने के लिए लोगों से की अपील। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सदर कोतवाली में क्षेत्र अधिकारी कुंवर प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक अशोक मिश्रा ने लोगों के साथ किया शांति बैठक। साथ ही क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हिंसा फैलाने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुजीत कुमार, चंदौली। खबर है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। NSUI छात्र ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर लगाए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे, फूंका हरियाणा का मुख्यमंत्री का पुतला।
पुतला दहन की सूचना पर पहुंचे नगर कोतवाली भूपेंद्र सिंह। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ले गए नगर कोतवाली कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिस के आने से मचा हड़कंप। कानूनी व्यवस्था को लेकर NSUI छात्रा ने फूंका था पुतला। मोहम्मद अनिस, क्राइम ब्यूरो सुल्तानपुर की खास खबर। जनपद सरवस्ती के थाना सुनवा अंतर्गत ग्राम खजुरी का मामला, जहां पर महमूद के खेत में पहले जलाया गया था, जिसकी जांच करने पहुंचे लेखपाल व अन्य अधिकारी। जुबेर अहमद के साथ मुलीम की खास रिपोर्ट, सरवस्ती। नहीं, अलग अलग ये वाला हो सुनने के लड़का गया महमूद के लिए जमीन जनपद जालौन में उरई शहर के अलग अलग जगहों से मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। सभी जगह तालाबों में ग्राम चिलीवा कुकर गांव के तालाब में मूर्ति विसर्जन किया गया। वहीं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। जालौन से उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन से